तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको और आपको आगे बढ़ना है। यकीनन मुखालिफीन मजलिस उस वक्त भी थे जिस वक्त अब्दुल वाहिद ओवैसी रुक अराकी ने शूरा को जमा किए, मुखालिफीन मजलिस ने शूरा को लेकर चले गए थे। जिस वक्त जलसा हो रहा था बिसल बंडे के ऊपर, रातों रात शूरा को लेकर भाग गए पूरे के पूरे, गायब हो गए पूरे। तो अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने आवाम से कहा कि मैं आपसे रजा नामजदगी चाहता हूं, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। तो उस वक्त भी मुखालिफीन मजलिस ने अपने अखबार में लिखा था कि ओवैसी ने शूरा को चूरा कर दिया। तो मेरे भाई, मुखालिफीन हर दौर में रहेंगे। याद रखिए, अबू जहल अबू लहब की औलाद सुबह कयामत तक रहेगी। यजीद के चाहने वाले, यजीद के चेले सुबह कयामत तक रहेंगे। मीर जाफर मीर सादिक हमेशा थे और रहेंगे। मगर हमारा काम यह है कि जैसा कि अहमद पाशा कादरी ने कहा कि हम हुसैनियत के परचम को बुलंद करना हमारा काम होगा। ईसार और कुर्बानियों को देकर हमने मुकाम को हासिल किया। हमने कोई चमन में चलकर या पब्लिक गार्डन में चलकर यहां तक नहीं पहुंचे। हम खाक और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ा, जेलों में बैठकर अपनी मजलिस की खुद की कामयाबी के लिए दुआएं करनी पड़ी, पुलिस की लाठियां खानी पड़ी, तब जाकर अल्लाह ने हमको मुकाम दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सफर को हमको और आपको लेकर आगे बढ़ना है। यकीनन आने वाले दिनों में पार्लियामेंट का इलेक्शन है। मैं अपने मजलिस के रुफाओं से अपील करूंगा कि पहले से ज्यादा मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आज या एक हफ्ते में या 12 मार्च के बाद पार्लियामेंट के इलेक्शन के तारीख का ऐलान होगा। मैं आपसे सिर्फ यही अपील कर रहा हूं कि 60 दिन आप और हम दिन रात एक कर दें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस कामयाबी को, अपनी बरतरी को, अपने इत्तेहाद की निशानी को और मजबूत करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमको कामयाबी से हमकिनार करना है। मैं अपनी जमात के तमाम अराकीन से, सुदरो मोतमदीन से, मौजे सुदरो मोतमदीन से अपील कर रहा हूँ, चाहे वो हैदराबाद में हो, औरंगाबाद में हो, महाराष्ट्र में हो, या बिहार या सीमांचल की उस गयूर सरजमीन पर हो, या उत्तर प्रदेश में हो, मेरी आपसे अपील है कि मैं आपसे 55-50 दिन हमको मेहनत करना, हमको दोबारा अपनी जमात को कामयाब और कामरान करना है। और मैं मुखालिफीन मजलिस से भी बड़ी अदब के साथ उनसे कह रहा हूँ, ख़ास तौर से वो मुखालिफीन के लिए जिनको अल्लाह ने दौलत दी, आपने अपनी बिजनेस के तौर पर अपना एक प्रोडक्ट बनाया आपने, और आप अपनी दौलत को मजलिस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बड़ी मोहब्बत से आपसे अर्ज कर रहा हूँ, अगर ये आपका बिजनेस का प्रोडक्ट है, ये मजलिस प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारे आंसुओं की निशानी है।